नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इंडिया के दो ऐसी कार मेकर्स हैं जिन्होंने सालों से यहां के लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन गाड़ियां उतारी हैं और लोग इनको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। हालांकि इन दोनों ही कंपनियों की गाड़ियां एक दूसरे से अलग हैं और इनमें काफी फर्क है। जहां एक में आपको फ्यूल एफिशिएंसी प्रायोरिटी पर मिलती है, वहीं दूसरे में बिल्ड क्वालिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब समझना यह है कि बिल्ड क्वालिटी जरूरी है या फिर फ्यूल एफिशिएंसी जरूरी है। मेरे हिसाब से वैसे तो आज के टाइम पर दोनों को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन सीधी सी बात यह है कि 2-4 किलोमीटर का फ्यूल ज़्यादा देकर अगर आपकी जान बच रही है या किसी भी तरह के एक्सीडेंट में मेजर इंजरीज नहीं आ रही हैं, तो आंख बंद करके बिल्ड क्वालिटी को चुनना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी के कार में क्यों ना मिले। जहां तक रही फ्यूल एफिशिएंट और लो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियों की बात, तो इनका एक्सीडेंट्स में क्या हाल होता है वो तो आपने देखा ही होगा। ये छोटा सा भी इम्पैक्ट नहीं झेल पाती हैं, बड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट और टाटा नैनो के बीच हुआ है, जो हरियाणा से मिस्टर योगी जी ने मुझसे ईमेल पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली हरियाणा के हिसार में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नैनो और स्विफ्ट दोनों एक सिंगल रोड पर आमने सामने से आ रही थी, तभी दोनों में टक्कर हो गई। हालांकि इसका रीजन क्या था और इसमें एग्जैक्टली किसकी गलती थी वो नहीं पता, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये ओवरटेक वगैरह करने के चक्कर में हुआ है। जो भी हुआ हो, यह टक्कर बहुत ही जबरदस्त था स्विफ्ट के लिए। फोटोज में साफ दिखाई पड़ रहा होगा इसका फेंडर, बोनेट, बम्पर और ग्रिल डैमेज होकर अंदर घुस गया है। दूसरे तरफ नैनो के भी बोनेट, बम्पर और फेंडर में नुकसान आया है। हालांकि ये नुकसान स्विफ्ट के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा सारे पैसेंजर्स भी बिल्कुल सेफ हैं, किसी को चोट नहीं आई। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं दोनों गाड़ियों के साइज और प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी कैसे नैनो ने स्विफ्ट को पिचका दिया है। यही फर्क होता है 2 और 5 स्टार रेटेड कार में। अगर इसी जगह 5 स्टार वाली कोई भी कार होती तो उसमें बस माइनर से डेंट्स और स्क्रैचेस आते, ऐसे मुंह ना फूट जाता। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।